खबर सवाईपुर से, नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के निर्देशन में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया की ओर से जल जागरण अभियान पर कार्यशाला आयोजित की गई। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि जल जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सी एम यादव मुख्य अतिथि, विद्या प्रोफेशनल एवं टेक्निकल कॉलेज के गणितज्ञ व्याख्याता योगेश कुमार धाकड़ एवं कृषि रसायन व्याख्याता सावर लाल दरोगा मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम में प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि डॉक्टर सीएम यादव ने कृषि क्षेत्र में जल के उपयोग के साथ साथ उनको बचाने के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता योगेश कुमार धाकड़ ने जल संरक्षण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर छोटे छोटे प्रयासों से उसको बचाने का संकल्प दिलाया। साथ ही कृषि रसायन व्याख्याता सांवर लाल दरोगा ने फवारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं मल्चिंग आदि विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में कृष्णा कुमारी जोशी, अंजलि जोशी, कविता शर्मा, राजेश शर्मा, नीलेश सारस्वत, गायत्री जोशी आदि उपस्थित रहे। युवा इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे हैं, आप सभी नवयुवक हैं और आप में वो एनर्जी है, आप में वो शक्ति है कि एक युवा 10 को अवेयरनेस कर सकता है। वो ग्रुप आज आप यहाँ क्या काम कर सकते हैं, जैसे अपन जितने भी अपने को जैसा लगे कि जैसे कोई और भी खाली पड़ा और अपने खेत का यानी अपने किसी ढलान वाली जगह का उसके रस्ता बना के उसके अंदर पानी डालते हैं, या अपने जो जैसा कोई पौध डाला है, एक तो देखो वाष्पोत्सर्जन दो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ ज्यादा होती है, खुले तालाब में ज्यादा होती है, जमीन के पानी के अंदर ज्यादा होती है, जमीन के लेवल खुले तालाब में ज्यादा होगी, क्योंकि खुले तालाब में गर्मी ज्यादा पड़ेगी और वहां से पानी